हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022। ये चाहे आप प्राइवेट है चाहे रेगुलर है, और नई शिक्षा नीति के तहत ये पेपर हुआ है आपका। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम पर जो पेपर होगा आपको किस टाइप का आएगा और क्या पैटर्न होता है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगी। ये मेजर सेकंड है, पॉलिटिकल साइंस सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का पेपर है, और ये पेपर हुआ है 70 मार्क्स का, और पास होने के लिए आप लोगों को लेके आने हैं मात्र 25 मार्क्स। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं, क्या सेक्शंस आए हैं, कैसा ये एग्जामिनेशन पेपर आया है। तो मैं हूँ सोनम जैन, और देखते हैं हम यहाँ पर ये पेपर किस टाइप से पूछा गया है। सबसे पहले अगर देखते हैं, इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और सेक्शन ए जो है आपका 5x2 यानी कि 10 मार्क्स का पूरा आपका ये सेक्शन है। चलिए यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है। भारत में हाई कमीशन के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे, कौन थे। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, जो आपको सही लगे वो यहाँ पर आपको आंसर लगाना है, यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य सीमा है 400, 425, 500 या 545। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 58, 60, 62 या 65 वर्ष। संघात्मक ढांचे के प्रमुख लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विभाजन या उपयुक्त सभी। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी, जो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4x7 यानी कि आपका 28 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 28 मार्क्स का पूछा जाएगा, 200 वर्ड्स में आपको इसके आंसर देने होंगे। चलिए भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता बताइए। राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए, राज्य सूची के विषय पर संसद किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर सी, जो होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ओनली यहाँ पर, और मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं, और ईच क्वेश्चन है आपके 16 मार्क्स का। मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंधों की व्याख्या कीजिए। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। And thank you watching for my video and all the best for exam.